खबर है जनपद बाराबंकी से। बाराबंकी में ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों के कहने पर खुद के पैसे से बनवाया पंचायत घर, जो कि सरकारी पैसा आने के बाद उन्हीं अधिकारियों ने पैसा ग्राम प्रधान को न देकर आपस में ही बंदर बांट कर लिया। मामला है जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौलीगंजपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसुरिया का, जहां ग्राम प्रधान विनोद कुमार, जो कि पूर्व प्रधान भैंसुरिया रह चुके हैं, जिनका आज तक न मानदेय प्राप्त हुआ न ही पिछला बैलेंस, जो कि इन्होंने पंचायत भवन अधिकारियों के कहने पर बनवाया था, जो पंचायत भवन बनवाने का मात्र पेमेंट इनका केवल 1,41,260.56 है। ब्लॉक सिरौली गौसपुर के आला अधिकारियों के बंद बस्ते में रह गया इनका पेमेंट। एडीओ पंचायत से लेकर जेई ग्राम विकास अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं ये पूर्व प्रधान। अब देखना यह है कि खबर लगने के बाद शासन प्रशासन पूर्व प्रधान को क्या न्याय दिलवा पाता है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार रावत। ये आपका ग्राम क्या है? ग्राम पंचायत भैंसुरिया है। तहसील सिरौली गौसपुर। जिला बाराबंकी। ये बताइए, आप गांव में ग्राम पंचायत में अपने पूर्व प्रधान रह चुके हैं जी। आप पूर्व प्रधान कितने सालों तक रहे हैं? अरे मान लीजिए एक साल बीत गया हमको। एक साल बीत गया है। कितने साल तक आप इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत मतलब पूर्व प्रधान के मतलब की प्रधान के पद पे आप थे? 5 साल। 5 साल आपने प्रधान यहाँ पे रहे हैं। और आपका जो प्रकरण चल रहा था पंचायत भवन आपने बनाया था, तो उस पंचायत भवन में पूरा आपका पैसों का निस्तारण कर दिया गया नहीं था? पूरे पैसे का निस्तारण नहीं हुआ है। ये मान लीजिए हमारा 1,41,000 रुपया भी फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? अब उसमें मान लीजिए एडीओ पंचायत प्लस सिक्रेटरी और जो हमारे यहाँ टीए है वो सबसे ज्यादा बदतमीज है। एडीओ पंचायत क्या है, कहाँ क्या नाम है? एडीओ पंचायत का नाम है अभय कुमार शुक्ला। जेई का नाम है अखिलेश कुमार वर्मा। तो इनका क्या कहना है? एक बार इन्होंने फैसला रखा, हमारा 1,41,000 रुपये था, उसमें काट कूट करके हमको जो है बताया गया आपको 25,000 रुपये इसमें मिल सकता है। मगर उसमें एक बात ये थी कि जब उन्होंने हमको फैसले के तौर पे बुलाया तब उसमें ये हुआ कि मान लीजिए हिसाब जोड़ा गया, मगर हिसाब हमारे हिसाब से नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ उसमें जो खर्चा बचा है रुपया 1,41,000, उन्होंने बताया 25,000, तो हमने कहा हम फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमने पंचायत भवन बनवाया उसका एस्टिमेट पहले था 1,11,99,000 का। अब उसका जब रिवाइजर कराया गया दोबारा तो उसका एस्टिमेट बना 13,40,000 का। टीए ने मुझको ये नहीं बताया कि इसमें जो है एक कमरा एक्स्ट्रा बना है। जब पंचायत साहब से हमने कहा तो कहा प्रधान से कोई कमीशनबाजी नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक कमरा एक्स्ट्रा बना हुआ है। आज जब उस पंचायत भवन का एस्टिमेट 13,40 का बना हुआ है तो हमको 13,40 के हिसाब से टोटल पेमेंट मिलना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं दिया? अब अधिकारियों की मिली भगत के कारण से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर आपने आगे कार्रवाई क्या किया? आगे कार्रवाई हमने कई बार एडीओ पंचायत से कहा, सिक्रेटरी से बोला, टीए से भी कहा, मगर किसी ने एक साल हमको ब्लॉक आते जाते हो गया, मगर किसी अधिकारी ने कोई तवज्जो नहीं किया। मानदेय का आपका क्या मामला है? मानदेय हमारा 8-9 महीने का बाकी है, जो कि अब तक मानदेय आपका चालू हो जाना चाहिए था, आपका मिल भी जाना चाहिए बैलेंस का, मगर हमको आजकल टाला जा रहा है कि आज मानदेय लगवा देंगे, कल मानदेय लगवा देंगे, कैश बुक नहीं मिल रही है, यही सब बवाल बताया जा रहा है। अन्य ग्राम प्रधानों को तो मानदेय दिया जा रहा है, आखिर आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब हमें क्या जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, देने का मूड नहीं अधिकारियों का। जब मान लीजिए पंचायत भवन का जो है पैसा हमारा फंसा हुआ है होते हैं वो मान लेंगे तो ये भी मान लिया जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और क्या कहना चाहेंगे, मान लीजिए अधिकारियों के प्रति कुछ कहना चाहेंगे, अधिकारी मतलब एडीओ पंचायत हो या जेई हो, अगर उनके बारे में कुछ कहना है तो आप स्पष्ट बताएं। नहीं हमको कहना है, सबसे ज्यादा बदतमीजी जो है जो ये अखिलेश वर्मा है टीए, ये सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा, क्योंकि इस समय हम कोई प्रधान तो है नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर हम प्रधान होते 10 पैसा वो हमसे हो पाता। अब मान लीजिए पूर्व प्रधान तो हमसे किसी को पैसा मिलना तो है नहीं, इसलिए उसकी मिली भगत के कारण जो हमारा ये फैसला कराया गया इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम मुद्दा तभी मानेंगे समाप्त जब हमारा 1,41,000 रुपये लग गए। अगर आपका ये मुद्दा नहीं हल हुआ तो क्या आप आगे भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, जब हमारा पैसा नहीं निकलेगा, 1,41,000 फंसा हुआ है प्लस 9 महीने का मानदेय फंसा हुआ है, तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाएंगे, ये नहीं मानेंगे तो हम प्रधानमंत्री के यहाँ तक जाएंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तो अब लड़ाई अब शुरू हुई है, लड़ते हम रहेंगे जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा।